हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद पौशाली। मैं हूँ पौशाली, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ राखी स्पेशल मेकअप लुक शेयर करूंगी और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो प्रोडक्ट इस वीडियो में दिखाऊंगी वो सारे के सारे 100 से स्टार्ट होकर 200 के अंदर ही होगा, सिवाय एक प्रोडक्ट के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी प्राइमर से। प्राइमर के लिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही ब्लू हेवन का प्राइमर। ये मुझे कुछ 200 के अंदर या फिर 200 रेंज में ही मिला था, तो इसको मैंने पूरी फेस पर अप्लाई कर ली है। नेक्स्ट मैं मेरी ब्राउज को फिल इन करूंगी मार्स के आईब्रो पाउडर से। इसको मैंने ली थी ऑफलाइन 100 रुपीज में। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन। ये छोटा वाला पैक है, ये मुझे कुछ 149 या फिर 148 रुपीज का पड़ा। इसको मैं अच्छी तरह से ब्रश की मदद से ही ब्लेंड कर रही हूँ और इसका जो फिनिशिंग है वो आपको बहुत ही स्किन लाइट फिनिश देता है। आप इसको चाहो तो आप बिल्ड कर सकते हो, लाइट टू मीडियम कवरेज इसका है। और शेड नेम वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, तो जरूर चेकआउट कर लेना। तो हेयर लाइन पर भी इस तरह से मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और ईयर और नेक पर भी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। कंसीलर के लिए यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर। एक हाई कवरेज कंसीलर है गाइस, 200 के अंदर बेस्ट कंसीलर है। तो इसी को ही मैं मेरी अंडर आईज, आईलिड, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड एंड चिन पर अप्लाई करके अच्छी तरह से डैब डैब करके मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो उसके बाद मैं मेरी कंसीलर को सेट करूंगी फेसिस कैनेडा के कॉम्पैक्ट पाउडर से। ये मुझे कुछ 150 या फिर 160 इस प्राइस का ही मुझे पड़ा। ये इसके ऊपर एक फुल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने दे रखी है, अगर आपने नहीं देखा है लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगी, ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लिप एंड चीक टिंट। ये मियोन के है, आप चाहो तो आप स्विस ब्यूटी का भी अप्लाई कर सकते हो। उसका भी प्राइस कुछ 160 या फिर 170 इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा और ये मुझे कुछ 120 या फिर 130 रुपीज़ का पड़ा। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आई मेकअप पर। आई मेकअप के लिए यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट। ये मुझे कुछ 140 रुपीस का पड़ा था गाइस, मैंने इसको हाथी बागान से ली है और इसका जो पिगमेंटेशन है ना वो कोई भी हाई एंड ब्रांड को टक्कर दे सकता है। फर्स्ट जो शेड है उसको मैंने पूरी आई लिड पर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद सेकेंड मैं इस ब्राउन शेड को एक स्मॉल फ्लैट ब्रश में लेकर मैं एकदम लैश लाइन के क्लोज क्लोज में अप्लाई कर रही हूँ और डिफरेंस जो है आपको दिख रही है। नेक्स्ट मैं सेम शेड को लेकर लोअर लैश लाइन के एकदम क्लोज क्लोज में बहुत ही लाइट हैंड इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो आप कोई काजल या फिर आई लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद मैं सेम पैलेट में से इस शिमर शेड को मैंने मेरी सेंटर ऑफ माई आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेम शेड को ही मैं हाइलाइटर की तरह भी अप्लाई कर रही हूँ। हालांकि ये मेरे स्किन टोन से थोड़ी डार्क थी, बट ठीक है, काम चल गई है। मैंने मेरी फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट कर ली है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। मस्कारा के लिए आज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी सुगर का मस्कारा। तो गाइज, मेरे पास अंडर 200 रुपीज का कोई भी मस्कारा नहीं था, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर की थी स्विस ब्यूटी का मस्कारा, बट वो मुझे रिसीव होने में काफ़ी वक्त लग रही थी, इसीलिए मैंने सुगर के ही मस्कारा को आप लोगों से शेयर कर दी है। अगर आप चाहते हो तो आप स्विस ब्यूटी या फिर मार्स का भी मस्कारा को आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं मेरी लिप को लाइन करूंगी मिस क्लेयर के लिप लाइनर से। इसका प्राइस कुछ 60 या फिर 70 रुपीज़ का है। तो इसी से मैं फर्स्ट मेरे लिप को लाइन कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। आज मैं अप्लाई करूँगी ब्लू हेवन के लिक्विड लिपस्टिक। इसका प्राइस था कुछ 120 या फिर 100 रुपीस में भी आजकल आपको मिल जाएगा लोकल मार्केट में। तो गाइस, ये रहा आज का फाइनल लुक। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एकदम फ्री है। आज के वीडियो में जो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो सारे के सारे बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट होने के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है सभी प्रोडक्ट्स के। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल, बाय।